जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, कि अब ना किसी और से लागे जिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। जी भैया नमस्कार। ये जो गाना गाए, ये गाना आप सोच रहे होंगे कि गनवाली का काहे गा रहा है रे, ये चैनल तो है भोजपुरी का लेकिन हिंदी गाना क्यों? तो देखिए तड़कता भड़कता भैया खबर है कि काजल रघवानी जो है चिंटू पांडे को छोड़ के अब जो है चिंटू पांडे उनको याद नहीं आ रहा, और खेसारी लाल यादव के पास फिर से भैया बैक टू बैक जाना चाहती है। जी हाँ, ये जो है अभी तक का सबसे बड़ा खबर है, और इसका सबूत जो है खुद कहीं ना कहीं काजल रघवानी जी ने दिया है। जी हाँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से। जी बिल्कुल, आपको एक ऐसा सबूत दिखाने वाले हैं कि आप भी जो है भैया गेस कीजिएगा तो बोलिएगा जी हाँ, खेसारी लाल यादव का जो है अब फिर से काजल रघवानी को याद आने लगा है। और शायद काजल रघवानी जी जो है बहुत ही बड़े विवाद के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी में विवाद जो है अभी का डेट में खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी का किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ये पोस्ट एक बार जो देखने के बाद है, इसमें काजल रघवानी पूछ रही है कि गेस कीजिए कि कौन सा फिल्म का फोटो है, और भैया ये फिल्म का फोटो है किस फिल्म का, क्या आप जानते हैं? तो ये है भैया मेहंदी लगा के रखना, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रहा था। किसके साथ? खेसारी लाल यादव जी के साथ, काजल रघवानी जी का। और इसमें जो बैकग्राउंड गाना बज रहा है, पहले आप ये खुद से सुनिए, ठीक है? जी हाँ भैया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। गाना सुन लिया, कौन सा गाना है ना? तो इस प्रकार का रोमांटिक गाना सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या काजल रघवानी को खेसारी लाल यादव जी का याद आ रहा है? चिंटू पांडे जी को अब छोड़ना चाहती है? और अगर खेसारी लाल यादव जी का याद आ रहा है तो क्या खेसारी जी को काजल रघवानी के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप भाई को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, क्योंकि आप हैं भैया सर्वोपरि, ठीक है? भाई मिलता है अगली बार किसी और अपडेट में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।